प्रियंका और गाइस मैं हूँ प्रियंका और गाइस आज हम करने वाले हैं कुकिंग चैलेंज और गाइस आज हमारे जज होने वाले हैं पूजा। तो गाइस जैसे कि हम तीनों को एक एक डिश बनानी है और लास्ट में पूजा के पास उसको लेके आना है, पूजा उस डिश को खाएगी और एक विनर को घोषित कर देगी कि ये है आज का हमारा विनर। और गाइस उस विनर को कुछ ना कुछ तो मिलेगा और मुझे यहां तक भी लग रहा है कैश ही मिलेगा क्योंकि हमेशा कैश मिलता है, बट उसकी प्राइस मनी होगी कितनी वो नहीं पता क्योंकि हर बार बढ़ता जा रहा है और इस बार पता नहीं कितना बढ़ जाएगा। तो गाइस आज हमें पूजा बनाना क्या है वो भी आज हमें गाइस पूजा ही बताएगी। अब हम जल्दी चलते हैं पूजा के पास और पूछते हैं कि आज पूजा हमें चैलेंज में करना क्या है। तो गाइस आज के चैलेंज में इनको जो फूड डिशेस बनानी है वो इस चिट्स में लिखी हुई है एंड गाइस इन तीनों ही चिट में अलग अलग फूड आइटम्स लिखे हुए हैं लेकिन ये इनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि किसके पास क्या आता है क्योंकि गाइस जो हमारा टाइम है ना वो सिर्फ 10 मिनट्स का है। इनको 10 मिनट्स के अंदर फूड डिशेस एकदम रेडी रखनी है क्योंकि गाइस इन चिट्स में कुछ ऐसे फूड आइटम है जो 4 से 5 मिनट के अंदर बन जाएंगे लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनमें हो सकता है कि 10 मिनट के अंदर वो बन भी जाए और नहीं भी बने। तो गाइस ये सारा ना लक पे डिपेंड करता है कि किसके पास कौन सा फूड आइटम आता है। ओके और गाइस जो प्राइस मनी है वो मैं आपको बताऊंगी फूड डिशेस बनने के बाद, टेस्टिंग वेस्टिंग सब होने के बाद, ठीक है? ओके टाइम। तो गर्ल्स रेडी हो? यस। 3 2 1 गो। ये क्या था? गाइस मेरे पास आए हैं छोले कुलचे, गाइस मेरे पास आई है पनीर सैंडविच और गाइस मेरे पास आया है दही गोलगप्पे। ओह माय गॉड। तो गाइस आपको पता ही चल गया कि इन तीनों के पास क्या क्या फूड डिशेस आई है बनाने के लिए। तो गाइस देखते हैं कि ये फूड डिशेस 10 मिनट में बना पाते हैं या नहीं। और हाँ गाइस जो हमारी 3 डिशेस है इसमें तो कुछ भी एड ऑन कर सकते हो लेकिन गाइस जो इनकी चिट पे लिखा हुआ है जैसे पनीर सैंडविच तो सैंडविच में पनीर होना चाहिए और यहाँ पे हमारे छोले कुलचे तो कुलचे के साथ छोले जरूर होने चाहिए एंड है यहाँ पे दही गोलगप्पे यानी गोलगप्पे के साथ दही होना चाहिए। सॉस मिला के खिलाऊंगी। तो गाइस मैं यहाँ पे टाइमर लेकर आ गई हूँ तो तुम लोग स्टार्ट करो अपना कुकिंग चैलेंज। ओके सो गाइस अभी चैलेंज शुरू कर रहे हैं उससे पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो गाइस रेडी? गाइस मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। छोले मैंने पहले ही उबाल लिए थे, इधर मैंने मसाला भी पहले ही बना लिया कि मुझे टाइम ज्यादा ना लगे। इसमें मैंने मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और चंकी चाट मसाला डाला हुआ है। इधर गाइस मैंने टमाटर और एक प्याज ली हुई है, इधर नींबू और ये कुलचे रखे हुए जिन्हें मैं घी में सेकूंगी और कुछ और एड ऑन भी कर दूंगी। तो गाइस जैसे कि मुझे बनानी है पनीर सैंडविच तो जिसके लिए ये है ब्रेड। स्पेशली गाइस ये पनीर पूजा ने बोला था कि सैंडविच में पनीर होना ही चाहिए। और गाइस ये है साइड में चीज और ये है थोड़ी सी कॉर्न, ये टमाटो केचप और मैं गाइस आज ट्राई करने वाली हूँ पालक सैंडविच और देखते गाइस ये सैंडविच कैसी बनती है। तो गाइस मुझे बनाना है दही गोलगप्पे। यहाँ पे मैंने अपने पानी पूरी ले ली है, गोलगप्पे ले लिए हैं। साथ में यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर, प्याज, यहाँ पे हरी मिर्च, यहाँ पे दही, ये पुदीने की चटनी और यहाँ पे भुजिया। गाइस आलू हमारे पास है नहीं तो मैं देखती हूँ, अगर खुशी मुझे थोड़े से अपने छोले उधार देते तो बाकी वो कुछ ना कुछ एडजस्ट कर लूंगी। तो गाइस मैं इनका टाइमर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके 3 2 1 गो गो। तो गाइस सबसे पहले मैं ये पालक कट कर रही हूँ। गाइस मैं अपने छोले में डालने के लिए पहले टमाटर काट रही हूँ फिर मैं प्याज काटूंगी। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपने गोलगप्पे ले लिया, अब इनको पकाना बाकी है तो यहाँ पे मेरा तेल गरम हो रहा है, जैसे ही गरम हो जाएगा तो मैंने फटाफट तल लूंगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपना पालक तो कट कर लिया है, अब मैं कट कर रही हूँ ये अनियन। मुझे 2 अनियन की जरूरत है। एंड गाइस यहाँ पे इनका टाइमर आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे 2.5 मिनट से ज्यादा हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट में गाइस ये सैंडविच कैसे बनेगी। मुझे जो पूजा कह रही थी ना कि 10 मिनट में बन भी सकती है नहीं बन सकती, मुझे लग रहा है मेरी ही सैंडविच है वो। गाइस वाओ गाइस स्ट्रगल यहाँ हो रहा है, इसका पैकेट खुल लेना मुझसे और लगाओ नखून। पूजा हेल्प मी। गाइस यहाँ पे मेरा तेल गरम हो चुका है, मैं इन्हें फटाफट तल लेती हूँ। गाइस मैंने अपनी प्याज और टमाटर दोनों ही चीजें चॉप कर लिया, अब मैं जल्दी से छोले को प्रिपेयर करती हूँ।
गाइस अब मैं इसमें अपना ये मसाला भी डाल लेती हूँ। गाइस अब मैं इसमें अपना नींबू ऐड कर लेती हूँ। गाइस छोले मेरे रेडी हो गए, मैं बाद में इसमें थोड़ी सी अपनी तिकड़म करूंगी, अभी नहीं करूंगी। जल्दी से अब मैं अपने कुलचों को सेक लेती हूँ। तो गाइस अब मैं फ्राई पैन में एक चम्मच घी डालूंगी, क्योंकि मुझे ये जो पालक है और जो मैंने अनियन कट करी है वो मुझे फ्राई करना है। इसमें गाइस मैं डालूंगी अनियन, मेरे पास कुछ था नहीं अंदर फिलिंग्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रियंका से पनीर उधार लिया है, थोड़ा प्याज डाले और थोड़े टमाटर, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने यहाँ पे अपना मिक्स रेडी कर लिया। अब मैंने फटाफट से इसमें फिलिंग करती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हो मेरी अनियन बिल्कुल ब्राउन हो गई है, मुझे बस इतनी ही ये पकानी थी। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये पालक, और पालक डालने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी नमक, बस थोड़ा सा नमक ऐड करना है, और थोड़ी सी मिर्ची ऐड करनी है, बस इतना ही डालना है गाइस, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना। और गाइस इसी के साथ डालनी है ये कॉर्न, गाइस अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये पनीर, क्योंकि ये तो मेन इंग्रेडिएंट है। जैसे पूजा ने बोला था कि सैंडविच में पनीर तो होना ही चाहिए, तो गाइस मैं आपके सामने ये देखो पनीर डाल रही हूँ उसमें। तो गाइस आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है देखने में, कलरफुल सैंडविच हमारी बन चुकी है, मतलब फिलिंग तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैंने गाइस ये पनीर डाल दिया है। तो गाइस ये जा रहा है इसमें चीज, लेकिन प्रियंका टाइम का भी ध्यान देना, यहाँ पे हो चुके हैं 6 मिनट होने वाले हैं गाइस, 6 मिनट, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं तुम लोगों के पास, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। गाइस मैंने यहाँ पे दही में चीनी डाल ली और मैं इसको फटाफट मिक्स कर लेती हूँ, साथ ही यहाँ पे मेरा मसाला भी रेडी है तो मैं उसको फटाफट फिल कर लेती हूँ। तो गाइस मैं यहाँ पे फटाफट फिलिंग कर लेती हूँ। तो गाइस मैंने पहले ब्रेड में केचप लगाया था और अब उसके ऊपर गाइस ये मैं फिलिंग, और तो गाइस मेरे दही गोलगप्पे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, अब बारी है इन दोनों की, पर मैंने तो टाइम से पहले कंप्लीट कर दी। और गाइस मुझे ये कुलचे अब 2 मिनट में ही सेकना है, और जो मैं बोल रही थी कुछ तिकड़म करूंगी वो भी मुझे अब इन 2 मिनट में ही करना है, प्रियंका ने गैस खाली नहीं दी मुझे। और गाइस ये फ्राई पैन मैं प्रियंका वाला ही यूज कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे धो के तब यूज करूँ। गाइस मैं इसमें अपना ये सारे छोले डाल रही हूँ, जरा मैं थोड़ा सा इन्हें ना घी में सौते करूंगी। गाइस मेरी सैंडविच बन चुकी है और मैंने बस ये बीच में से कट की है। गाइस मैंने अपनी ये पनीर सैंडविच मेरी रेडी है। गाइस डन, गाइस मैं अपने कुलचों की बस जल्दी से पनीर से गार्निशिंग कर रही हूँ, बाकी मेरा सब कुछ हो चुका है। गाइस टाइम हो गया 55, 56, 57, 8, 9 और ये स्टॉप, रुक जाओ, डन। तो गाइस ये तीनों अपने फूड आइटम यहाँ पे रेडी करके लेकर आ चुके हैं, और अब है फाइनल यहाँ पे जो राउंड होने वाला है टेस्टिंग का। तो सबसे पहले मैं करूंगी साक्षी का, क्योंकि सबसे पहले ना उसी ने बना के रख दिया था, सबसे पहले खराब भी उसी का होने वाला है। तो सबसे पहले मैं ट्राई कर रही हूँ ये साक्षी के दही गोलगप्पे। गाइस देखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बट खाने में देखते हैं कितने टेस्टी होते हैं। तो साक्षी में तुमने इसका डाला क्या क्या है वो हमारी ऑडियंस को पता है, तो मैं अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताऊंगी। मैं बहुत क्रंची है, मुझे आवाज आ रही है कच, मेरे एक्सप्रेशन ऐसे बने बोल रहे, मैं तो नीचे बैठ गई, मैं तो भूल गई मुझे क्या गाइस ऐसा लग रहा है। अच्छा पूजा तुम नहीं बता पा रही, मैं खा के बता दूं नहीं तुम जज नहीं हो, नहीं मतलब टेस्ट मैं डर रही हूँ, पता है सामने वाले की हार्ट बीट तेज भी हो रही है। गाइस टेस्टी तो है, मतलब ये नहीं बोल सकते कि मतलब बहुत ज्यादा टेस्टी है, टेस्टी है, बट उसमें ना ऐसे थोड़ा सा टेस्ट होता है जो गोलगप्पे में आना चाहिए, जो उसकी फिलिंग है, क्योंकि फिलिंग क्या बनाई है सबसे लास्ट में बनाया था तो गर्म होगा। गाइस लास्ट में इसलिए क्योंकि प्रियंका ने गैस नहीं दी थी मुझे खाली। एंड गाइस आप गार्निशिंग भी देख सकते हो कितने अच्छे से की है, मतलब पूरा पनीर में लपेट दिया है। इसको इससे पता चलता है क्या कि इसको पनीर बहुत पसंद है, और ऊपर प्रियंका बहुत दिलदार इंसान है, उसने दोनों को पनीर बांटा है भर भर के, उसके गोलगप्पे में भी पनीर है। नहीं पता फिर ना ऐसा लगता है। हाँ। तो गाइस मैंने यहाँ पे एक बाइट रेडी कर लिया है खुशी के कहने पे, बहुत अच्छे से
जितना बड़ा पूजा ने मुंह खोला उतनी बड़ी बाइट नहीं थी वैसे। गाइस अभी तक ये दो मैंने टेस्ट कर लिए हैं लेकिन फाइनल अभी भी बाकी है तो वो देखते हैं। इससे तो हमें भी बहुत उम्मीद है। तो गाइस यहाँ पे आप देखो स्माइली बनाई है, उसकी आंख मैंने खराब कर दी है। अरे यार पूजा सॉरी। ऐसा नहीं बोल सकती कि मतलब ये भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें थोड़ी सी होती है ना स्पाइसनेस की कमी है, अगर वो और होता ना तो ये सैंडविच ना लिटरली बता रही हूँ इन दोनों के आगे बहुत ही ऊपर लेवल पे था। अभी भी है स्टिल, बट अब देखिए मैं कंफ्यूज हो गई हूँ दो चीजों में, क्योंकि इसके जो गोलगप्पे हैं और ये है इनका टेस्ट इससे ज्यादा बेटर आ रहा है। आई नो कि बहुत मतलब आप सोचोगे कि कितनी अच्छी जज बन रही है, नहीं टेस्ट जो मैटर करता है वो बता रही हूँ मैं। इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आ रहा है जब मैंने ये दोनों किए हैं उसके बाद, तो मैं अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई हूँ। तो गाइस यहाँ पे तो मतलब मैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि अगर आप भी टेस्ट करोगे ना तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जो टेस्ट में टक्कर आ रही है ना वो अलग ही लेवल पे है। एंड तो मैं बहुत ही दिल से बोलना चाहती हूँ ये जो डिसीजन है मेरा एकदम अंदर से आया है, और इसमें विनर है साक्षी एंड प्रियंका। तो मैं इन दोनों को देना चाहूंगी। वैसे तो पता है क्या, मैं बताती हूँ कुछ दिखाती हूँ, ठीक है गाइस? ओके, ये है प्राइज मनी। ओके, अगर कोई एक जीतता तो उसको मिलते ये टोटल 1500 रुपीज, बट अब तुम एक एक दो जने जीते हो तो मैं यहाँ पे दूंगी 5500। नहीं गाइस ऐसा कुछ नहीं है, 5500 इन दोनों को एज अ प्राइज मनी मैंने दी है। गाइज ये तो मैटर करता ही है, बट जीतना भी बहुत बड़ा मैटर करता है। तो देखो गाइज हम तीनों ने बहुत मेहनत की है और हम तीनों ने 10 मिनट में ये डिशेस बनाई है, तो ये चैलेंज करने में बहुत मजा आता है और ऐसा भी लगता है टाइम से पहले जल्दी जल्दी बनाना है। तो तीनों ने ही बहुत अच्छे से बनाया और गाइज हमें ये चैलेंज करने में बहुत मजा आया। एंड गाइज मुझे यहाँ पे टेस्ट करने में बहुत मजा आया, अलग अलग टाइप की डिशेज आते हैं यहाँ पे तो उन्हें टेस्ट करने में अलग ही मजा आता है। तो गाइज अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो और आपको भी देखने में मजा आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से चैलेंज के साथ, तब तक के लिए गाइज बाय।